नमस्कार। सक्सेस की थ्योरी को समझ लेना, जिसने इस सक्सेस की थ्योरी को समझ लेना उसे सक्सेस की राह में अगर बहुत सारी असफलता मिलेगी ना, फिर भी वो दुखी, हताश, निराश और उदास नहीं होगा। लिख कर ले लो आप मेरे से, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो सक्सेस की थ्योरी को समझते हैं, तभी तो उनके जीवन में कितनी असफलता आती है, कितने दुख आते हैं, फिर भी वो रुकते नहीं, फिर भी वो चलते रहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सक्सेस का रास्ता कैसा है, सक्सेस की थ्योरी कैसी है। पता है आपको सक्सेस की थ्योरी क्या है? सक्सेस की थ्योरी यह है कि शुरुआत में आपको 80% मेहनत करनी पड़ेगी, साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल तक, और आपको रिजल्ट मिलेगा 20%। और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सिर्फ आपको 20% मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट 80% मिलेगा। मतलब जस्ट उल्टा, शुरुआत में आप खूब मेहनत करोगे लेकिन रिजल्ट सिर्फ 20% मिलेगा, और बाद में सिर्फ 20% मेहनत, रिजल्ट 80%। ये होती है सक्सेस की थ्योरी। आप लियोन मेसी को अच्छी तरह से जानते हो, वो विश्व के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं। पता है हाल ही में उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने क्या कहा कि रातों रात मुझे सफलता पाने में 17 साल और 114 दिन लगे। क्या कहा उन्होंने कि मैं रातों रात सफल हो गया लेकिन मुझे 17 साल लगे और 114 दिन लगे। मतलब सफलता के लिए आपको लगे रहना पड़ता है, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। ये थ्योरी समझ लेना। पंकज त्रिपाठी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम है, वो हर जगह मोटिवेशनल स्पीच देने जाते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सक्सेस होने में 15 साल लगे 15 साल, अब जाके मैं यहां पर हूं। मतलब 15 साल की मेहनत और उस 15 साल में रिजल्ट कितना मिला? 20% 30% बस। ये होती है सक्सेस की थ्योरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हो, उनके एक्टिंग का हर कोई लोहा मानता है। उन्होंने कहा था कि मुझे सक्सेस होने में 17 साल लगे 17 साल, 17 साल तक मैंने धक्के खाए लेकिन रिजल्ट क्या मिला? 30% 20%। और आज मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूं, रिजल्ट 100% मिलता है। तो सक्सेस की थ्योरी को आप समझ जाना। शुरुआत में आपको रिजल्ट ना मिले तो दुखी मत होना, हताश मत होना। अपने आप से कहना कि शुरुआत में मुझे खूब समय लगेगा, खूब मेहनत लगेगी, खूब एफर्ट लगेगा, रिजल्ट मुझे कम मिलेगा। अपने आप से कहना ये, हाँ इसका रिजल्ट मुझे बाद में मिलेगा। जब ये बातें अपने आप से कहोगे ना तो आपके अंदर जोश, जुनून, उम्मीद और एक आग पैदा होगी कुछ करने के लिए। तो ध्यान रख लेना, जब आप सफलता की राह पे चलो ना तो अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हताश मत होना, निराश मत होना। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के अकेले व्यक्ति नहीं हो। जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए उनकी सक्सेस की थ्योरी उठाकर देख लेना, सबके जीवन में यही घटना घटी है। शुरुआत में किसी को सफलता नहीं मिली है, शुरुआत में सबको जितोड़ मेहनत करनी होती है, और उस जितोड़ मेहनत में जो धैर्य रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो साहस रखता है ना, वो जीवन में हमेशा नाम करके जाता है।